मुझसे पंगा मत लेना, मैं एक लड़की हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये सूप पक रहा है, ये अंडे उबल रहे हैं और ये आम है। तो आज की डाइट यही रहेगी हमारी, क्योंकि बहुत फ्लक्चुएट करती है, कभी कुछ कभी कुछ, लेकिन फॉलो करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग ये खाएंगे और कोशिश करेंगे कि रोज ही फॉलो हो पाए। हेलो दोस्तों, तो आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। दोस्तों आज मौसम सुबह से ठीक था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आज बरसात हो जाएगी। बहुत ज्यादा बरसात हो गई और मैंने कपड़े धुलवाए थे, बाहर फैले हुए थे कपड़े। मैंने सोचा कि वो पूरी तरीके से सूखे नहीं है तो मैं रहने दूं, लेकिन बरसात हो गई और सारे कपड़े फिर से भीग गए। दोस्तों हस्बैंड की चड्डी तक भीग गई। तो दोस्तों अभी सारे कपड़े अंदर लाके मैं डाल दूंगी पंखे में। अब रोज का यही काम हो गया है, कपड़े लाओ सुखाओ पंखा चलाओ। दोस्तों सब मुझे कहते हैं बच्ची बनती है, लेकिन दोस्तों मैं बूढ़ी नहीं बनना चाहती, मैं बच्ची रहना चाहती हूँ। अब मैं क्या करूँ, मैं अंदर से हूँ, माना मेरी उम्र हो गई, लेकिन मैं अपने बचपने का क्या करूँ। दिखाती हूँ कपड़े सब गीले हो गए। दोस्तों यही वो चड्डी है जो गीली हो गई बरसात में, हस्बैंड के कपड़े बेचारे गीले हो गए, लेकिन अब मैं क्या करूँ, बरसात का कोई भरोसा नहीं कब हो जाए। पूरा दिन तो मौसम सही था, अचानक से बरसात हो गई और यहाँ पे एकदम अंधेरा छा चुका है, गाड़ियाँ चल रही है। मैं सोच रही थी कि हस्बैंड आएंगे तो उधर से मैं टाटा करूंगी, ये देखो मैं यहाँ खड़ी हूँ, लेकिन इतनी जल्दी वो आते नहीं, उनको लग जाता है टाइम। वैसे तो बड़ा अच्छा मौसम हो रहा है, ठंडा ठंडा हवा भी चल रही है, तो मैं सोच रही थी क्यों ना मैं कुछ खाऊं, लेकिन खाने के लिए अकेले में मजा नहीं आता है, ऐसा लगता है कोई साथ में रहे तो मजा आए। यहाँ घूम फिर के मैं इधर उधर कैमरा कर रही थी कि कोई चीज तो कैप्चर हो जाए ऐसी जो कंटेंट बन जाए। कौन है? दोस्तों मेरी सासू माँ बड़ा अच्छा खाना बनाती है और मेरे मायके वाले को उनके हाथ का खाना बहुत पसंद आता है, तो मैं सोच रही थी कि उनके नाम से मैं एक ढाबा खुलवा दूं और उसको मैं और वो चलाएंगे। दोस्तों उस ढाबे का नाम रखेंगे सुजाता और मनु। दोस्तों घर की याद आ रही है। दोस्तों मुझे एक इंसिडेंट याद आया अपने शादी से पहले का, क्योंकि मेरे मोहल्ले में लोग सोचते थे कि मनु के पास एक सुपर पावर है कि वो कुछ भी कर सकती है। तो एक आंटी थी, उनको लगता था कि मोहल्ले में जो ढेर सारे कुत्ते हैं मैं उनको लड़वाती हूँ। सोचिए दोस्तों मैं कितनी टैलेंटेड हूँ कि मैं कुत्तों को लड़वा देती हूँ। और एक बार उन्होंने मेरे पापा से शिकायत भी की थी कि मनु ने कुत्ते को लड़वाया है और वो भौंक रहे थे। और तो और इसके ऊपर मेरे पापा ने मुझे बहुत डांटा कि तुम कुत्ता क्यों लड़वाती हो, लेकिन मैंने सोचा कि इस बात को जाने नहीं देना चाहिए। मैंने बोला मुझे कुत्ता लड़वाना बहुत पसंद है, इसके अलावा मैं क्या कहती, क्योंकि जो है सो है। दोस्तों मुझे याद आया कि मुझे सूप पीसना है, तो मैं जल्दी से उसको पीस लेती हूँ। हो सकता है ठंडा हो गया हो, अगर नहीं हुआ होगा तो मैं और ठंडा करूंगी, लेकिन जल्दी से सूप बनाना होगा क्योंकि हस्बैंड आ जाएंगे तो फिर आप जानते ही हो। दोस्तों वैसे ही वो मुझे प्यार नहीं करते, इसके बाद तो और प्यार नहीं करेंगे। दोस्तों मैं कुत्ता तो नहीं, लेकिन मैं अंडा जरूर लड़वा सकती हूँ। और बस इसी के बाद मेरी अंतरात्मा को लगा कि मेरे जोक्स को क्या होता जा रहा है, क्या मैं फनी नहीं रही, और इसी के साथ मैं चली गई फ्रिज से कुछ निकालने। लेकिन जैसे ही मैंने फ्रिज खोला मैं तो ब्लैंक हो गई कि क्या लेने गई थी। दोस्तों क्या आपके साथ ऐसा होता है कि कोई सामान लेने जाओ और भूल जाओ कि क्या लेने आए थे, सब कुछ भूल जाओ, अपना नाम भूल जाओ, दुनिया जहान भूल जाओ और कुछ नहीं याद है। सोच ही रही थी कि मैं क्या लेने आई थी फिर मुझे याद आ गया कि मैं क्या लेने आई थी, और वैसे ही मैंने फ्रीजर खोला, उससे तो मैं सूप का सामान लेने आई थी, पीसना था। हस्बैंड कभी भी आ सकते हैं, तो मैं जल्दी जल्दी हाथ पैर चलाने लगी क्योंकि लाइट भी जा सकती है और फिर सूप धरा का धरा रह जाएगा, कहीं लाइट ना चली जाए करके मैं जल्दी जल्दी पीसने लगी। और हस्बैंड भी कभी भी आ सकते हैं, मेरी तो वाट लग जाएगी। दोस्तों लाइट चली गई। दोस्तों मेरे साथ ऐसा क्यों होता है?
खैर दोस्तों, हस्बैंड अभी आए नहीं है, पता नहीं कितनी देर में आएंगे। और मुझे तो भूख भी नहीं लगी आज, मैं अपने ख्यालों को गुम हूँ। दोस्तों प्रकाश, मैं कौन हूँ? मुझसे पंगा मत लेना, मैं एक लड़की हूँ। दोस्तों लाइट कब आएगी? दोस्तों हस्बैंड का डिनर लग गया है, पता नहीं कब तक आएंगे, जब भी आएंगे तो डरेंगे। दोस्तों मैं छिपकली को मारना नहीं चाहती, लेकिन मैं क्या करूं, हरकतें ऐसी करती है। अभी मैंने किचन में देखा कि वो गैस के बिल्कुल ऊपर थी, अभी मैं कुछ भी खाना बनाऊंगी तो उसमें वो गिर जाएगी, तब मैं क्या करूंगी। तो छिपकली का तो अपना राजकाज है, मुझे कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो ये मुझे जीने नहीं देगी। दोस्तों ऐसा क्या हो गया है कि मैं मस्ती नहीं कर पा रही हूँ? दोस्तों मैं मस्ती करना चाहती हूँ, मैं मस्ती नहीं कर पा रही हूँ। दोस्तों जब हस्बैंड आते हैं तो पूरे मोहल्ले को पता चल जाता है कि वो आए हैं, क्योंकि दरवाजा बहुत जर जर से पीटते हैं। ऐसा लगता है FBI की रेड पड़ी है, लगता है वो आ गए। मैं आपको दिखाती हूँ। देखा दोस्तों कितनी जोर से दरवाजा पीटते हैं? आपको पता है क्या हुआ? क्या? न्यूज में देखा कि हस्बैंड वाइफ थे, हस्बैंड ने वाइफ की बहुत पढ़ाई कराई और वो बन गई PCS। उसके बाद उसने दूसरा फेर किया और दूसरे के साथ भाग गई और उसका घर भी ले लिया और वो बेचारा रो रहा है। आप भी करोगे? हम क्यों करेंगे, हम थोड़ी PCS है, यूट्यूबर तो हूँ। दोस्तों लोग धोखा कैसे दे देते हैं। दोस्तों और यहीं से मेरे हस्बैंड ने मुझे भगा दिया, बोला तुम बहुत बात करती हो, कितना बात करोगी, मुझे आराम करना है, मुझे कुछ काम है। तो मैंने सोचा दोस्तों कि ठीक है मैं उनको फ्री छोड़ देती हूँ, और मुझे भी अपना काम था तो मैं आ गई और डिनर हो गया है, बाकी मैं आपसे कल मिलूंगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अब कल मिलते हैं, और तब तक के लिए लव यू।